बहुत ही स्ट्रेसफुल थी और बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग रही शुरू से ही स्टार्टिंग से, बट मुझे नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ तक जाके रुकूंगी। बट एक दिन जस्ट मैं सिंपली तरुण सर के पास ही क्वेश्चन पूछने के लिए गई थी, तब तरुण सर ने कहा था कि आपके मार्क्स किस अकॉर्डिंग आ रहे टेस्ट में, मैंने सर को सारी डिटेल्स बताई, तब सर ने कहा था कि हाँ हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन, बस जिस तरीके से तुम पढ़ रहे हो उसी तरीके से पढ़ते रहो। वही चीज कंटिन्यू करती रही, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन अपने नोट्स नहीं छोड़े, बस जब कभी बहुत ज्यादा बीमार हो गया, तबीयत ठीक नहीं है, दैट्स अनदर थिंग, तभी बस अपने नोट्स छोड़े थे, अदरवाइज कभी भी अपने नोट्स नहीं छोड़े। जो यहाँ पे पढ़ाया है ऑन द स्पॉट याद करना है। और मेन चीज एक मैं आपको जो बताना चाहूंगी वो ये है कि अगर जब यहाँ पे क्लास में टीचर्स आपको बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे सबसे ज्यादा टेंशन दो, क्योंकि घर जाने के बाद आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता उसको रिवाइज करने के लिए। जब आप घर पे रिवाइज करते हो ना तो आपको टीचर का एक एक वर्ड याद आता है कि हाँ सर ने ये बात बताई थी, ये बात बताई थी, वो आपको कंटिन्यूस याद आएगी। इवन अगर कोई एग्जाम्पल में स्टोरी भी बता रहे हैं ना तो उसको भी बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि हर एक चीज, हर एक एग्जाम्पल, हर एक स्टोरी यहाँ पे रिलेटेड टू टॉपिक होती है, रिलेटेड टू सब्जेक्ट होती है। और फाइनली अब जाके सिलेक्टेड हुई हूँ 2020 में, 2018 से जर्नी स्टार्ट की थी। और सबसे ज्यादा थैंक्स मैं स्पेशल थैंक्स टू नवीन सर, भानु सर और सुनील सर को करूंगी, क्योंकि उन्होंने वो सब्जेक्ट पढ़ाया है जो नर्सिंग में हर एक बच्चा डरता है जिससे, और उन्होंने इतनी नाइसली पढ़ाया है, इतना स्मूथली पढ़ाया है कि अगर आज एक भी कंसेप्ट आप एंडो से उठा के पूछ लो या न्यूरो से उठा के पूछो तो बच्चों के लिए बहुत ईजी होता है उस चीज के लिए सोचना, उस चीज को इवेलुएट करके हर एक चीज का आंसर देना। और जैसे जैसे सर बताते हो उस चीज को कंटिन्यू रखो, कुछ मत छोड़ो। यहाँ पे अगर कोई टीचर ये बोल रहा है ना कि रात के 2 बजे भी उठ के पढ़ लो तो पढ़ लो, इतने बुरी हाल कर लो अपने। और जब मैं पढ़ती थी तो मैंने कभी ज्यादा किसी से बात नहीं की, जैसे फ्रेंड्स के साथ घूमना या ज्यादा कहते ना पार्टीज अटेंड करना, फ्रेंड्स के साथ इधर जाओ उधर जाओ, सब चीजें भूल जाओ, क्योंकि जिस दिन आप यहाँ पे पढ़ लोगे ना उस दिन आपके लिए वो मोमेंट सब कुछ सब आपकी आंखों के सामने जॉयफुल नजर आएगा। सो स्पेशल थैंक्स टू एकॉन, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ स्टैंड है, उन्हीं की डेडिकेशन थी, उन्हीं का ब्लेड था जो आप में वो लाते हैं, आपके माइंड को सेटअप करते हैं। इसलिए यहाँ के टीचर्स का ही ब्लेड होता है कि जो आपको एक अंदर से डेडिकेशन दिखाते कि हाँ यू कैन डू इट, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को कॉन्फिडेंस नहीं होता, हर कोई ये सोचता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। तरुण सर जैसे बोलते हैं ये मत सोचो कब तक होगा, ये सोचो पढ़ना है, जब तक पढ़ूंगी तब जब तक मेरा सिलेक्शन ना हो। और यही मैंने सोचा था कि जब तक पढ़ूंगी जब तक सिलेक्शन ना हो, फाइनली आज सिलेक्टेड हूँ। और स्पेशल थैंक्स टू एकॉन फैमिली, और स्पेशल थैंक्स टू भानु सर, उपेन सर, रोहित सर, तरुण सर एंड मिडवाइफ भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो स्पेशल थैंक्स टू दिवांशु सर।